खाएगी भाई? मैं खाऊंगी, कब मनाते हैं? सब खाऊंगी। प्यार कर दो, प्यार से, प्यार से, धीरे धीरे धीरे। शुरू करते हैं हमारे मेकअप लुक के साथ। सबसे पहले मैं करने वाली हूँ मेरी स्किन को प्रिपेयर अच्छे से फॉर द मेकअप। सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी लॉरियल पैरिस का हाइलुरोनिक एसिड सीरम। इसके अंदर 1.5% हाइलुरोनिक एसिड है जो अच्छे से मेरी स्किन को प्लम करके रखता है, हैवी फील नहीं कराता और इसके ऊपर मेकअप भी बहुत अच्छे से स्टे करता है। उसके बाद मैं लगाऊंगी न्यूट्रीजना हाइड्रो बूस्ट का वाटर जेल। ये मेरा फेवरेट मॉइस्चराइजर है बिफोर एनी मेकअप। इसको मैं डेली बेसिस पे इतना यूज़ नहीं करती, लेकिन जिस दिन मैं हैवी पार्टी या वेडिंग मेकअप करती हूँ मैं हमेशा इसको यूज़ करती हूँ। इससे मेरी स्किन एकदम नरिश रहती है, मॉइस्चराइज रहती है और हैवी ग्रीसी फील नहीं होती। मैं बिल्कुल क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर नहीं यूज करती बिफोर एनी हैवी मेकअप, बिकॉज क्रीम बेस यूज कर लो फिर उसके ऊपर कोई फाउंडेशन लगा लो तो बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है। ये वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर है ना तो अच्छे से मेरी स्किन को नरिश भी रखता है और इसके अंदर भी हाइलुरोनिक एसिड है जिसकी वजह से मेरी स्किन प्लम रहती है। अब मैं स्टार्ट करूंगी प्राइमर के साथ। बाय द वे मॉइस्चराइज करने के बाद मैं वेट करती हूँ, मैं पहले उसको अच्छे से सिंक इन होने देती हूँ अपनी स्किन के अंदर। मैं एकदम प्राइमर ही लगाती हूँ बिकॉज हल्की स्किन जो है वो डैम्प रहती है। ये लैक्मे एब्सोल्यूट का ब्लर परफेक्ट प्राइमर है, बहुत अच्छा प्राइमर है। इट्स लाइक अ क्रीमी प्राइमर जो अच्छे से सारे पोर्स को ब्लर आउट कर देता है, मेरी स्किन को स्मूथ बनाता है। और अभी जैसे हल्का फुल्का विंटर का वेदर चल रहा है ना, मुझे ये प्राइमर स्पेसिफिकली बहुत अच्छा लगता है। एक्सट्रीम गर्मियों में मैं सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर यूज करती हूँ, लेकिन अभी हल्के से विंटर्स के लिए मुझे लैक्मे का प्राइमर काफी अच्छा लगता है और ये स्किन को नरिश भी अच्छे से करके रखता है। अब मैं करने वाली हूँ कलर करेक्शन। उसके लिए मैं ये क्राइलॉन का ऑरेंज येलो टोन सॉर्ट ऑफ एक कलर करेक्टर ले रही हूँ। ये मैंने एक ऑफलाइन स्टोर से लिया था तो मुझे नहीं पता ये अमेज़न पे मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन इसका एक ड्यूप है इनसाइड कॉस्मेटिक्स का जो सेम ऐसे ही आता है, 100 रुपीज़ का आता है, काफी सस्ता है और उसके अंदर भी ऐसे ऑरेंज टोन आपको मिल जाते हैं। तो वो मैं नीचे लिंक कर दूंगी, आपको सारे प्रोडक्ट्स के लिंक नीचे मिल जाएंगे इजीली। कलर करेक्ट करने से हमारे जितने भी एक्ने मार्क्स, जो भी डार्कनेस होती है, पिगमेंटेशन होती है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कंसील हो जाती है, इसलिए मुझे भर के फाउंडेशन लगाना पड़ता। मेरा फाउंडेशन जो है वो थोड़ा सा कट डाउन हो जाता है, मेरी स्किन ग्रीसी हैवी फील नहीं होती। आप देख सकते हो खाली कलर करेक्शन से मेरे फेस पे कितना डिफरेंस आ गया। जितने भी एक्ने मार्क्स थे, अंडर आई डार्क सर्कल्स थे, जो भी पिगमेंटेशन थी, वो सब मेजरली जा चुकी है। अब मैं हल्का सा फाउंडेशन लूंगी। ये मेरा सुपर फेवरेट मेबलिन सुपर स्टे का फाउंडेशन इन द शेड 128 वार्म न्यूड। ये शेड मुझे परफेक्टली सूट करता है, ऑक्सीडाइज होने के बाद एकदम मेरी स्किन टोन में मिक्स हो जाता है। सो मैं फाउंडेशन को हमेशा हाथ से लगाती हूँ, ना मैं ब्रश यूज करती हूँ ना मैं ब्लेंडर यूज करती हूँ। सबसे पहले हाथ से उसको डैप करती हूँ, जितना हाथ से उसको डैप डैप करके ब्लेंड कर सकती हूँ। और उसके बाद मैं ये न्यू ट्रिक आजकल कर रही हूँ, मैं मैक का फिक्स प्लस स्प्रे करती हूँ और फिर मैं ब्यूटी ब्लेंडर को लेकर फिर उसको अच्छे से ब्लेंड करना शुरू करती हूँ। इससे जो भी एक्सेस फाउंडेशन होता है वो भी थोड़ा कम हो जाता है, एट द सेम टाइम स्किन पर बहुत अच्छी फिनिश आती है और इससे मेरा फाउंडेशन बहुत देर के लिए सेट भी हो जाता है। सो अगर आप कोई पार्टी फंक्शन में जा रहे हो, आप चाहते हो आपका फाउंडेशन बहुत देर के लिए स्टे करे, तो आप ये ट्रिक यूज कर सकते हो। आई एम लविंग इट नाउडेज। हाइलाइटिंग कंसीलर के लिए मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी कॉस्मेटिक्स का एक कंसीलर इन द शेड सैंड है शायद इसका नाम, मैं नीचे लिंक कर दूंगी। ये हल्का सा लाइटर है मेरी स्किन टोन से, आप देख सकते हो, और ये हाइलाइटिंग के वे में बहुत अच्छे से काम करता है। मैं इसको अपनी जॉ लाइन के नीचे भी लगा रही हूँ। इस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स कॉन्टोरिंग। अगर आप कॉन्टोरिंग करना नहीं पसंद करते, मैं इतना कॉन्टोरिंग नहीं करती, तो मैं रिवर्स कॉन्टोरिंग करती हूँ। इससे भी एक कॉन्टोरिंग का इफेक्ट क्रिएट होता है बिकॉज नीचे की साइड में मैं एक हाइलाइटिंग कंसीलर को यूज़ कर रही हूँ। फटाफट से ब्लेंड कर लूँगी। मैंने अपनी आईलेट्स पे भी यही कंसीलर लगाया ताकि आई शेडो अच्छे से इसको एक स्मूथ बेस मिल पाए। अब बात आती है मेकअप को सेट करने की। मैं यूज़ करने वाली हूँ मेरा फेवरेट सेटिंग पाउडर जो अफोर्डेबल भी है और बहुत अच्छे से काम करता है। ये मार्स का ट्रेंड सेटिंग लूज पाउडर इन द शेड बनाना। ये जो बनाना शेड है ना, ये वार्म लाइक ऑरेंज येलो टोन का एक लूज पाउडर है जो इंडियन स्किन टोन को बहुत अच्छे से सूट करता है। और आप देख सकते हो मैं इस एरिया में मुंह फुला के फिर लूज पाउडर को लगा रही हूँ। इससे जो भी स्माइल लाइन्स होती हैं उसमें अच्छे से पाउडर सेट हो जाता है, बिकॉज थोड़ी देर बाद ही मेकअप ना क्रैक होने लग जाता है और स्पेशली जहाँ से आप स्माइल करते हो वहाँ से मेकअप क्रैक होता है। तो अगर इस प्रोसेस से आप लूज पाउडर लगाओगे तो आपका मेकअप कम से कम क्रैक होगा। अब स्टार्ट करते हैं आईज के साथ। मैं यूज करने वाली हूँ ये लैक्मे एब्सोल्यूट का आई शेडो, फैंटेसी आई शेडो पैलेट है। मैं इसका जो कोड और नेम होगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मैं इसका एक न्यूट्रल पिंक सा पहले शेड ले रही हूँ, ऑलमोस्ट एक स्किन सॉर्ट ऑफ कलर का एक शेड है। पहले मैं इसे क्रीज सॉर्ट ऑफ बना रही हूँ। हल्के शेड से हमेशा शुरू किया करो, एकदम डार्क शेड मत पिकअप किया करो। ये मिस्टेक मैं पहले बहुत ज्यादा करती थी, लेकिन अब मैं धीरे धीरे आई शेडो सीख रही हूँ तो मैं हमेशा लाइट शेड से शुरू करती हूँ। अब मैं ब्राउन टोन शेड ले रही हूँ और इसको मैं बाहर बाहर की तरफ डैप करती हूँ और फिर जो थोड़ा ब्रश पे लगा होता है उसको हल्का हल्का अंदर लेके जाती हूँ। इसको मैं बिल्कुल अंदर तक नहीं लेके जाऊंगी, खाली बाहर बाहर तक रखूंगी ताकि बहुत अच्छी क्रीज क्रिएट हो। आपने थंबनेल में मेरा आउटफिट देख लिया होगा तो ये जो कलर है ना, ये ऑलमोस्ट मेरे आउटफिट से थोड़ा बहुत मैच हो रहा है।
अब मैं ऐड करने वाली हूँ एक पॉप ऑफ कलर अपनी आईज के ऊपर, बिकॉज डे टाइम का जो फंक्शन होता है ना, हल्की सी शिमरी आईज अच्छी लगती हैं। सो ये स्विस ब्यूटी कॉस्मेटिक्स का लिक्विड आई शेडो है इन द शेड रोज गोल्ड रेट्रो, बहुत प्यारा गोल्डन कलर है ये, थोड़ा सा ऊपर लग गया था गलती से, बट मैंने इसको बाद में करेक्ट कर दिया था। इसको मैं इनर कॉर्नर से लेके हल्का सा सेंटर तक लेके गई हूँ, दैट्स इट, ज़्यादा बाहर तक मैं उसको नहीं लेके गई थी। आई लाइनर के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट लैक्मे एब्सोल्यूट का शाइन लाइन, ये मेरा फेवरेट लाइनर है, बहुत देर के लिए स्टे करता है और इसकी जो टिप है वो भी काफ़ी फाइन है। मैंने कैमरे पर नहीं लगाया बिकॉज यू नो कैमरे पर मैसअप हो जाता है, तो मैंने फटाफट मिरर में देख के लगा लिया था और मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो रहा था। और फिर मैंने मस्कारा के लिए यूज़ किया ये फेसेस कैनेडा का मैग्नेटाइज मस्कारा, मुझे अच्छा लगता है मस्कारा, काफ़ी अच्छे से मेरी लैशेस को कोट भी कर देता है, ज़्यादा उसको हैवी क्लम्पी फील नहीं कराता। आईज़ पे मैंने ऑलरेडी अच्छा शिमर ऐड किया था ना, तो मैंने ज़्यादा हैवी वाला मस्कारा यूज़ नहीं किया, इससे मेरी लैशेस अच्छे से कोट भी हो जाती हैं और अच्छी लॉन्गर भी लगती हैं। आई लव दिस मस्कारा इन अफोर्डेबल रेंज। और नीचे के लिए मैं अगेन ये प्लम का काजल यूज़ करने वाली हूँ, आई लव दिस काजल, मेरी सेंसिटिव आईज़ को बहुत अच्छे से सूट करता है। अब काजल मैं कैसे लगाती हूँ, मैं अंदर की तरफ लगाती हूँ हल्का प्रेशर, बाहर की तरफ मैं थोड़ा ज़्यादा प्रेशर लगाती हूँ। सो बेसिकली बाहर की तरफ थोड़ी सी डार्क लाइन लगानी है और अंदर आते आते उस लाइन को थोड़ा सा फेड करना है, हल्का रखना है, इससे आपकी आईज़ का एक बड़ी आईज़ का इल्यूजन क्रिएट होता है। आप देख सकते हो हल्की सी आईज़ इससे बड़ी भी दिखती है। तो मैं हमेशा काजल ऐसी लगाती हूँ, मैं बिल्कुल अंदर तक भर के काजल नहीं लगाती। एंड विद दिस माय आई लुक इज़ कंप्लीट। अब आ जाते हैं ब्लश के ऊपर, मैं यूज़ करने वाली हूँ अर्थ रिदम का लिप एंड चीक टेंट, ये रेड कलर है, बहुत प्यारा कलर है, मैं इसका शेड नेम नीचे मेंशन कर दूंगी। लव दिस वन, बहुत अच्छे से ये चीक्स पर वर्क भी करता है, शाइनीनेस आती है उसके ऊपर, एट द सेम टाइम ये स्टे भी ज़्यादा देर के लिए करता है। अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए कोई पार्टी मेकअप कर रहे हो, हमेशा लिक्विड ब्लश यूज़ किया करो बिकॉज वो ज़्यादा स्टे करते हैं। इसी के ऊपर मैं फटाफट लगा रही हूँ ये कीरो ब्यूटी का प्रिस्म परफेक्ट हाइलाइटर, इसमें दो शेड आते हैं, मिक्स होते हैं हल्के हल्के गोल्डन ब्रोंज, ये बहुत प्यारा लगता है। अगर आपका इंडियन स्किन टोन मेरे जैसा वीटिश या थोड़ा सा सांवला कॉम्प्लेक्शन है, तो ये बहुत प्यारा लगता है, ये हमारे इंडियन स्किन टोन में बहुत ब्यूटिफुली दिखता है। इसके शिमर पार्टिकल्स भी काफ़ी फाइन है, बिल्कुल भी चंकी या लाउड नहीं दिखता। मैंने क्यूपिड्स बो पे अब हल्के से अपर लिप्स के आसपास नोज़ के ऊपर अच्छे से हाईलाइट कर लिया था। नाउ फॉर द लिपस्टिक, मैं यूज़ करने वाली हूँ ये मेबेलिन की जो न्यू लॉन्च हुई है अल्टी मैट लिपस्टिक इन द शेड मोर ब्लश, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं नीचे भी लिंक कर दूंगी। बहुत प्यारा शेड है, एकदम परफेक्ट पिंक शेड है जो मुझे लगाना पसंद है। मेरा जो आउटफिट है ना, उससे शेड काफ़ी अच्छे से मैच हो रहा था और मैंने आईज़ पे भी हल्का हल्का एक पिंक का टच दिया है और लिपस्टिक को भी मैंने हल्का हल्का पिंक रखा है। यू कैन कॉल इट अ मोर लाइक पिंक आउटफिट सॉर्ट ऑफ मेकअप लुक, एंड दिस हाउ द लिपस्टिक लुक्स लाइक। ये काफ़ी अच्छे स्टे भी करती है और मास पर भी कम से कम ट्रांसफर होती है। एंड विद दिस माई मेकअप लुक इज़ कम्प्लीट, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, परफेक्ट फॉर एनी डे टाइम फंक्शन। शिमर ऐड करने से ना बहुत प्यारे एक नाइस ग्लोई लुक आती है आईज़ के ऊपर भी, और आपके हाइलाइटर से तो ऑब्वियसली स्किन ग्लोई लगती है। ये मेरा आउटफिट, ये बाय द वे फ्रॉम इंडिया, ये मैंने अमेजोन से ही मंगवाया था, आपने मेरे किसी प्रीवियस हॉल में भी देखा होगा। सो मैंने जब इसको लास्ट टाइम पहना था, मैंने पहना था ब्लैक जेगिंग्स के साथ और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो लिटरली दो दिन पहले मैंने ये अमेजोन से ये पैंट्स ऑर्डर करी है, मैं इसका लिंक नीचे दे दूंगी। ये टफीटा सिल्क की पैंट्स है, इसके अंदर कॉटन की लाइनिंग है, एंड द बेस्ट पार्ट इज कंफर्टेबल तो ये है ही, एट द सेम टाइम इसमें पॉकेट्स हैं, ओ माय गॉड, आई कांट इवन टेल यू कितना कंफर्टेबल था, बिकॉज मुझे बैग कैरी करने की जरूरत ही नहीं हुई, मैं पॉकेट में इजीली अपना फोन रख सकती हूँ। फटाफट मैंने स्टीम आयरन भी कर लिया था, दिस इज स्टीम आयरन बेसिकली, इफ यू डोंट नो, मैं प्रेस नहीं यूज़ करती बिकॉज काफ़ी बार आउटफिट जल जाता है। एंड दिस इज हाउ द आउटफिट लुक्स लाइक, मैं लास्ट में डालने वाली हूँ पूरा वीडियो, तो उसमें आप देख लें। सो ज्वेलरी के लिए मैंने जूल्स गैलेक्सी का ये मैंने सेट ऑर्डर किया था, आपको किसी हॉल में भी दिखाया था, उसके अंदर ये छोटे हुप आते हैं, बेसिकली पूरा सेट आता है जिसके अंदर अलग अलग साइजेस के हुप्स आते हैं। सो मैंने ये सबसे छोटे साइज के हुप पहने बिकॉज ये बंद गले का कुर्ता है ना, तो मैंने ज़्यादा हैवी ईयरिंग्स नहीं रखे, एंड दिस इज हाउ द फुल लुक लुक्स लाइक। हील्स भी मैंने ब्लॉक हील्स पहनी थी गोल्डन टोन की, सो दैट ओवरऑल गोल्डन टोन जाए। वॉच मैंने डैनियल वेलिंगटन की पहनी हुई है गोल्डन कलर की, एंड आई लव्ड इट। आई थिंक डे टाइम के हिसाब से इस पैंट्स की शाइनिनेस की वजह से भी जो ओवरऑल लुक है वो बहुत प्यारी निकल के आई है। एंड दैट इज इट फॉर my overall makeup. Now you can enjoy the function as well. जा डलवा दिया यार, सही है, भर दी तूने बिल्कुल, लेट चटनी मेरी में निकाल दे, मेरी खत्म हो गई, थोड़ा खा ली, टिक्की खाएगी, हम खाएंगे, कब मनाएंगे, सब खाएंगे, एनजीओ के एग्जाम में हाँ, इसको नहीं लगता, इसको डॉग से इतना उन्हें प्यार कर दो, प्यार से धीरे धीरे धीरे, भाई पीछे से काट लेगी तो पीछे जा, दोनों बैठो प्यार करो, एक
पीछ करके बैठूं आप खराब हैं। पहले फोन को टाइमर लगा के 5 सर्कल करके वैसे साइड से गाना और वीडियो रोक देंगे और फिर बनेगी वीडियो इतनी सुंदर सी। कुछ भी